भारत की अग्नि-6 मिसाइल का तूफान, बड़े अपडेट ने बढ़ाई अमेरिका तक टेंशन। चीन को छोड़िए, यूरोप को भी लपेट देगी ये मिसाइल। अमेरिका को हो रही फिक्र, टेंशन में आधी दुनिया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का DRDO रफ्तार से मिसाइलों का निर्माण कर रहा है, फिर चाहे बात ब्रह्मोस मिसाइल की हो, ब्रह्मोस 2 सुपरसोनिक मिसाइल की हो, आकाश या फिर कोई और मिसाइल हो, या फिर बात अग्नि सीरीज की सभी मिसाइल्स की हो, भारत लगातार इन मिसाइलों को बिजली की रफ्तार से तैयार कर रहा है। लेकिन दोस्तों, आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि भारत अग्नि सीरीज की उस खूंखार मिसाइल को तैयार कर रहा है जो कहीं ना कहीं ब्रह्मोस से भी ज्यादा तबाही मचाने वाली है। ये मिसाइल कितनी खतरनाक है, आप इस बात का अंदाजा इससे लगा लीजिए कि सुपर पावर अमेरिका भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से इतना नहीं डर रहा जितना भारत की इस नई मिसाइल से वो खौफ खा रहा है। जी हाँ, इस मिसाइल का नाम है अग्नि-6। इसकी रेंज और ताकत ने दुनिया को चिंता में डाल दिया है और एक तरह से दुनिया के कई देश हैरान और परेशान हो रहे हैं कि आखिर भारत इतनी ताकतवर मिसाइल क्यों बना रहा है जिसकी मार अमेरिका तक है। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं इस भयानक मिसाइल को लेकर अब क्या नया अपडेट आया है जिसको लेकर ये सारे देश परेशान हैं। अग्नि-6 की खबर से चौंके चीन और अमेरिका, आधे से ज्यादा यूरोप टारगेट पर। दोस्तों, भारत की एक ऐसी मिसाइल है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। इसका नाम है अग्नि-6 मिसाइल। इंतजार इसलिए क्योंकि जिस दिन ये मिसाइल बनकर तैयार हो जाएगी उस दिन भारत 10,000 किलोमीटर का बैरियर तोड़कर दुनिया के एक बहुत ही स्पेशल क्लब में शामिल हो जाएगा। जी हाँ, दुनिया के कुछ ऐसे ही देश हैं जिनके पास 10,000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइलें मौजूद हैं। जैसे भारत अग्नि-6 बना लेगा, हम भी इस क्लब में शामिल हो जाएंगे और दुनिया में हम एक बड़े सैन्य सुपर पावर के तौर पर जाना जाएगा। लेकिन आज हम अग्नि-6 के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि इसको लेकर माहौल बनना शुरू हो चुका है। दरअसल पिछले 3 महीनों से लगातार अग्नि-6 पर कुछ ना कुछ अपडेट आ रहा है। आज एक बार फिर से अग्नि-6 पर बड़ी खबर आई है। बताया गया है कि अग्नि-6 को लेकर जो टेस्टिंग डेट है वो लगभग तय हो चुकी है। आने वाले 2 सालों के अंदर यानी 2024 के अंत में या 2025 की शुरुआत में इसका पहला परीक्षण किया जाएगा। इतना ही नहीं, बहुत सारी रिपोर्ट ऐसी भी आई है जिनमें बताया गया है कि जो अग्नि मिसाइल है इनकी बहुत सारी तकनीकों को बनाकर रेडी कर लिया गया है। इतना ही नहीं, उनका डेमोंस्ट्रेशन भी कर लिया गया। उदाहरण के लिए बताया गया है कि जो अग्नि-6 है वो मर्फ कैपेबिलिटी के साथ आएगी। उसमें लगने वाली कैपेबिलिटी है, टेक्नोलॉजी है, उसे हमने प्राइम मिसाइल के साथ ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है। अब इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। फायदा ये कि यदि आप किसी ऐसे उपकरण को मिसाइल में लगा रहे हैं जिसे पहले ना तो यूज किया गया हो, ना ही आपको उसके बारे में खास जानकारी हो और ना ही आपने उसकी टेस्टिंग की हो, तो ऐसे में मिसाइल फेलियर के चांस ज्यादा रहते हैं। लेकिन आपने यदि सारे उपकरण और टेक्नोलॉजी ऐसी लगाई है जिनके बारे में आपको पहले से पता है, आपने उनकी टेस्टिंग अच्छे से की है, तो ऐसे में मिसाइल का पहला टेस्ट ही काफी हद तक सक्सेसफुल हो जाता है। ऐसे में यदि आप इसे जल्द से जल्द सर्विस में शामिल करना चाहते हैं तो आपको ना तो ज्यादा टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है, 4-5 टेस्ट करने होते हैं, उसके बाद आप उसे बड़ी आसानी से सेना में शामिल कर सकते हैं। हालांकि आपका सवाल होगा कि क्या इसको लेकर कोई ऑफिशियल डेट भी आई है, तो आखिरी बार इस पर जो ऑफिशियल खबर हमें 2013 में मिली थी उस समय अग्नि-5 तैयार हुई थी और जो DRDO के चीफ थे उस समय के, उन्होंने कहा कि अग्नि-5 के बाद हम अग्नि-6 भी बनाएंगे। लेकिन उसके बाद उस पर काफी हो हल्ला मचा क्योंकि पश्चिमी देश और उनकी मीडिया भी कहने लगी कि भारत को अग्नि-6 की जरूरत क्या है। अभी जो भारत ने अग्नि-5 बनाई है उसकी रेंज में पूरा चीन आता है, पूरा पाकिस्तान आता है, यहां तक कि आधा यूरोप भी आता है। ऐसे में भारत अग्नि-6 क्यों बनाना चाहता है, क्योंकि अग्नि-6 की रेंज में चीन पाकिस्तान को छोड़ पूरा यूरोप आएगा, बल्कि कहीं ना कहीं यह अमेरिका तक भी वार करेगी। ऐसे में भारत ऐसी मिसाइलें बनाकर अमेरिका और यूरोप को चेतावनी क्यों दे रहा है। इसीलिए तब से भारत सरकार की पॉलिसी रही है कि ऑफिशियल तौर पर हम अग्नि-6 के बारे में कुछ भी बात नहीं करते हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से पिछले 6-7 महीनों में इस पर काफी खबरें आ रही हैं। यानी कि भारत एक तरीके से माहौल तैयार कर रहा है, यदि हम अचानक से परीक्षण कर देंगे तो इतनी खतरनाक मिसाइल देखकर पूरी दुनिया को सदमा लगेगा, इसलिए भारत दुनिया को तैयार कर रहा है। खैर दोस्तों, आपका इसे लेकर क्या विचार है, क्या भारत को जल्द ही इस मिसाइल का टेस्ट कर लेना चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।